जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपके इलेक्ट्रिकल गीजर में कितना यूनिट बिल कंज्यूम होगा, यानी उसका कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप गैस गीजर इस्तेमाल करते हो सेम लोगों के लिए, सेम डेज के लिए, तो वहाँ पर आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो आज की वीडियो में सारे के सारा कैलकुलेशन लेकर आया गया है आपका अपना टेक्लोनी। फ्रेंड, आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल गीजर और गैस गीजर के पूरे एक्सपेंस को, और ये बेस्ड होगा 4 से 5 मेंबर्स के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में 4 या 5 मेंबर है, जो कि यूजुअली आजकल फैमिलीज में होते ही हैं, तो अगर इतने लोग हैं तो उसके हिसाब से आप एक इलेक्ट्रिकल गीजर लगाते हो तो आपका कितना खर्चा आने वाला है, और अगर आप एक गैस गीजर लगाते हो तो आपका कितना खर्चा आने वाला है, पूरा का पूरा डिटेल वीडियो है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस गीजर के बारे में। तो फ्रेंड, आपको गैस गीजर के बारे में मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, सीधे एक क्लाइंट की बात है कि गैस गीजर जो है अगर आप अपने घर पर लगवाते हो तो आपका एक एलपीजी सिलेंडर आपका पूरा का पूरा सर्दियों का सीजन निकाल देगा, अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर है तो। यानी कि एक बार आपने टंकी लगाई एलपीजी गैस की और पूरी सर्दियां आराम से नहाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको सोचना भी नहीं है कि आपका गैस खत्म हो जाएगा, आपका पूरी सर्दियां खत्म हो जाएगी, बट आपका सिलेंडर जो है वो खत्म नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो अब बात करते हैं गैस गीजर के पीछे खर्चे के। तो एक सिलेंडर इस समय जो इसका रेट चल रहा है वो 940 रुपये चल रहा है विद सब्सिडी। तो 940 रुपये का अगर आप सिलेंडर लगाते हो तो आप आराम से पूरी सर्दियाँ काट लोगे, यानी कि सर्दियाँ लगभग 4 महीने रहती हैं जिसमें हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 4 महीने में आप आराम से एक सिलेंडर से पूरा का पूरा सर्दियाँ काट सकते हो और गर्म पानी यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल गीजर के बारे में। तो देखिए फिर, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल गीजर अगर आप लगवाते हो और आपके घर में 4 से 5 मेंबर्स हैं तो उस केस में आपको कम से कम 2500 वाट का इलेक्ट्रिकल गीजर लेना चाहिए, जो कि 20 लीटर के कैपेसिटी के साथ आता है। जी हाँ, 20 लीटर कैपेसिटी, यानी कि एक बार में वो 20 लीटर पानी गर्म करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा, जिससे आपको दिन में सिर्फ एक बार ही गीजर को ऑन करना पड़ेगा। और ऑन करने के बाद एक बार जब 20 लीटर पानी उसमें स्टोर हो जाएगा तो आप आराम से पूरे दिन का काम कर सकते हो, 4 से 5 मेंबर नहा भी सकते हैं, और उसके साथ अलग कुछ थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह धुलना है तो आप वो भी काम कर सकते। अब यहाँ पे चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने 2500 वाट का एक इलेक्ट्रिकल गीजर अपने घर के लिए लगवा लिया तो वो पर मिनट कितना बिजली कंज्यूम करता है। तो पर मिनट फ्रेंड वो कंज्यूम करता है 41 वाट पर मिनट वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि 2500 को अगर आप डिवाइड करते हो 60 से तो 41 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग 40 से 41 वाट पर मिनट वो कंज्यूम करेगा। और 20 लीटर टैंक कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिकल गीजर को 20 लीटर के पानी को पूरी अच्छे तरीके से हीट करने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट आपको उसे रन करना पड़ेगा। तो मैं 40 मिनट से ही मान लेता हूँ कि 40 मिनट में आपका पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो उस केस में 1640 वाट वो कंज्यूम कर लेगा, और 1000 वाट जो होता है वो आपका एक यूनिट के बराबर होता है। तो 1640 वाट को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.64 यूनिट का बिल निकल के आएगा, 1.64 यूनिट जो निकल के आ रहा है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे जो यूनिट का रेट है वो 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आता है, तो 1.64 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जो एक्सपेंस निकल के आएगा वो लगभग 13 रुपये पर डे निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बार में जब मैं अपने इलेक्ट्रिकल गीजर को ऑन करूँगा 20 लीटर के पानी को गर्म करने के लिए, तो मुझे 13 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब 13 रुपये के हिसाब से अगर मैं मंथली कॉस्ट इसका कैलकुलेट करता हूँ तो वो निकल के आता है 390 रुपये, 13 × 39 यानी 390 रुपये पर मंथ एक इलेक्ट्रिकल गीजर मुझे खर्चा निकाल के देगा। और 390 रुपये के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दियाँ 4 महीने रहती हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपको यहाँ पे 1560 रुपये का एक सीजन में बिल देना पड़ेगा अगर आप इलेक्ट्रिकल गीजर इस्तेमाल करते हो तो। और वहीं पे अगर आप गैस गीजर इस्तेमाल करते हो तो जैसा कि मैंने बताया 940 रुपये अभी आज का रेट है, तो 940 रुपये के विथ सब्सिडी वाला, तो अगर 940 रुपये मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो अगर मैं इसमें से 940 रुपये माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 620 रुपये का डिफरेंस निकल के आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इन छोटे छोटे वैल्यूज़ को देखो तो एक अच्छा खासा डिफरेंस निकल के आता है। तो यहाँ पे आप लगभग 640 रुपये बचाते हो अगर आप एक गैस गीजर इस्तेमाल करते हो, और अगर आप एक इलेक्ट्रिकल गीजर इस्तेमाल करते हो तो आपको 640 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बट फ्रेंड, एक चीज़ और है कि आपको इलेक्ट्रिकल गीजर खरीदने में कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि जैसा कि आपको बताया गैस गीजर सस्ते आते हैं और इलेक्ट्रिकल गीजर थोड़े महंगे आते हैं। तो अगर आप भी मन बना चुके हो गीजर लेने का तो नीचे डिस्काउंट
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत शानदार शानदार गीजर के लिंक दे रखे हैं, आप उनमें से कोई भी जाके परचेज कर सकते हो। गैस गीजर का भी लिंक दिया है और इलेक्ट्रिकल गीजर का भी, आप उसमें बिल्कुल भी नहीं पछताओगे। बेहतरीन कंपनीज के बेहतरीन सेफ्टी में सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, आप आराम से जाकर उसे परचेज कर सकते हो। और हाँ, गीज़र को इस्तेमाल करने के लिए जो भी सेफ्टी मेजर लेना चाहिए वो आपको हमेशा लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीज़र हमेशा घर के बाहर ही इंस्टॉल कराना चाहिए, कभी भी बाथरूम के अंदर इंस्टॉल नहीं कराना चाहिए। बालकनी में करा लीजिए या फिर छत पे करा लीजिए, कहीं भी कराइए, बट बाथरूम में इंस्टॉल मत कराइए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल गीज़र हो चाहे वो गैस गीज़र हो। तो बस आज के वीडियो में इतना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।